हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लिए, हमने छोटे पीसेस बना लिए हैं इसके। अब इसमें हम मेरीनेशन के लिए मसाला डालेंगे सूखा। चाइनीज़ नमक है इसमें 1/2 टीस्पून, रेगुलर नमक है 1 टीस्पून, ओरिगेनो 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून हमारे पास पिसा हुआ जीरा है, और 1 टेबल स्पून हमारे पास काली मिर्च है, हम इसमें शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही शामिल करी है, गाढ़ा दही है हमारे पास। 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन है, और 4-5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है, ये इसमें हम शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे हम इसमें। 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ताकि अच्छी तरह इसमें मसाला मिक्स हो जाए और अच्छा फ्लेवर आए। 5 से 6 टेबल स्पून के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो रहा है, उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे फ्राई करने के लिए। हल्की ट्रांसपेरेंट हो जाएगी प्याज, तब हम इसमें चिकन डालेंगे। प्याज डालेंगे फ्राई करने के लिए। एक दरमियानी साइज़ की प्याज लिए, जो बारीक स्लाइस करके डालिए, ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है हमें, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करनी है प्याज। ये मैरिनेट वाला गोश्त है, जो हमने इसको 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट करा था, अब हम इसमें प्याज में शामिल करेंगे। तो हम स्लो आँच पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि गोश्त गल जाए हमारा। अब हम इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि पानी खुशक हो गया, प्याज भी माशाल्लाह से तकरीबन मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे, अपने टमाटर, मिर्चें और शिमला मिर्च। इसमें हम 1 टमाटर डालेंगे, हमने इसके बीज निकाल लिए और बारीक स्लाइस कराए, ये ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डालें। थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। अब इसके अंदर लाल मिर्चें और हरी मिर्चें काटी हुई हमने, वो डालने हैं 4 से 5। अब इसमें हमने 1 से 1.5 शिमला मिर्च काटी हुई स्लाइस में, वो डाल रहे हैं हम। जूनियर कटिंग के लिए स्लाइस के लिए बारीक काटी हुई हमने, थोड़ी सी देर मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें व्हाइट चावल डालेंगे। 1/2 kg राइस हैं, सैला चावल लिए हैं और इन्हें 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब हम इसके बाद बॉयल करेंगे इन्हें। ये चावलों के लिए पानी बॉयल करा है, इसमें हमने नमक डाला है और क्या कहते हैं, थोड़ा सा तेल डाला है, ताकि चावल अच्छे खिले खिले रहें। ये हमारे चावल डन हो गए माशाल्लाह से, देखें कितने खिले खिले हो रहे हैं। अब हम इन्हें पसाने जा रहे हैं, फिर इसमें गोश्त में शामिल करेंगे। चावल हो गए हमारे, देख लें इन्हें पसा लिया। अब हम इसमें ये अपना चिकन शामिल करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि कलर इसका खूबसूरत वाइट ही लगता है, वाइट और ग्रीन। 5-7 मिनट के लिए हम इसे हल्का दम दे देंगे, ताकि हमारे चावलों में मसाला मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से हमारे राइस तैयार हो गए हैं, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारे चावल लग रहे हैं, कलर बहुत खूबसूरत है। राइस तैयार हो गए हैं, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसका कलर देखें मिर्चों का, हरा लाल वाइट, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब खा के हम आपको बताएंगे कि कैसी तैयार है, इंशाल्लाह आपको पसंद ज़रूर आए। जा रहे हैं दही को फेंट लेंगे डिश की मदद से अच्छी तरह। इसमें हमने 2 अदद मिर्चें ले ली हैं और थोड़ा सा धनिया ले लिया है बस, ज़्यादा मुझे कलर पसंद नहीं है, इसलिए लाइट कलर के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब हम थोड़ा सा नमक यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप ये रायता बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, इसका कलर भी, इसका टेस्ट भी, इंशाल्लाह।